चैप्टर का नाम है कोशिका, यानी हम बात करें सेल। क्या होती है कोशिका? हाँ जी, कोशिका क्या होती है बताइए। मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका होती है। मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका, यानी अपनी बॉडी दी सब तो छोटी यूनिट। समझ गए कि जो मनुष्य का शरीर है ना, वो किससे बना है? कोशिका से बना है, सेल से बना है। और जो सबसे छोटी यूनिट होती है उसको हम क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। समझ गए? जैसे कि मैं बात करूं, या तो मैंने इस तरीके से लिख दिया कि मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई, या आपसे पूछ ले कि सबसे छोटी क्रियात्मक इकाई, कि ऐसी इकाई सबसे छोटी इकाई जो ह्यूमन के शरीर में क्रिया कर रही है, काम कर रही है, या कोई भी रचना कर रही है, यानी रचनात्मक इकाई। इस तरीके का आपसे एग्जाम में कुछ भी पूछ ले तो आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? सेल आएगा। समझ गए? अब देखो, अगर मैं लिखूं कोशिका, ये तो आप क्या, आपने क्या बोला? सेल जो है ये मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई है। मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई है। उसी तरीके से कोशिकाओं से मिलकर जो बनता है उसे हम उत्तक बोलते हैं, और इंग्लिश में हम बोलते हैं इसको टिश्यू। अब ये उत्तक जो होता है ये कोशिकाओं का समूह होता है। अगर एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए कि ग्रुप ऑफ सेल्स यानी कोशिकाओं का समूह को क्या बोलोगे आप, तो क्या बताएंगे? उत्तक। देखो अगे हूँ, जे मैं उत्तक दी गल करा तो यहाँ पे क्या बोलेंगे हम? उत्तक से क्या बनता है? अंग, यानी उत्तकों का समूह क्या कहलाता है? अंग। ठीक है, उत्तकों का समूह क्या कहलाता है? अंग, यानी ऑर्गन। और ऑर्गन से, अंग से मिलकर बनता है शरीर, यानी ऑर्गेनिज्म। समझ गए हो? यानी ये स्ट्रक्चर है। आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कोशिकाओं के समूह को क्या बोलते हैं तो आप क्या बताओगे? उत्तक। उत्तकों के समूह को क्या बोलते हैं तो आप क्या बताओगे? अंग। अंगों के समूह को क्या बोलते हैं तो आप क्या बताएंगे? शरीर। समझ गए हो? कोई डाउट यहां तक? ठीक है, तो अब सबसे छोटी इकाई हो गई कोशिका। ठीक है, अब इसको मिटा दूं, इतना क्लियर है इतनी बातें। अब हम बात करते हैं कि कोशिका के बारे में सबसे पहले बताया किसने? रॉबर्ट हुक ने। तो देखिएगा, कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। कोशिका की खोज आपसे एग्जाम में पूछ ली जाए तो आंसर क्या आएगा? रॉबर्ट हुक आएगा कि कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी, 1665 ईस्वी। बाकी आप डेट ना भी याद रखो साइंस में तो कोई इशू नहीं है, नहीं आएंगी पेपर में। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी, इसीलिए इसे कोशिका विज्ञान के जनक भी बोला जाता है। कोशिका विज्ञान के जनक भी कहा जाता है इसे। क्या बोला जाता है? कोशिका विज्ञान के जनक, फादर ऑफ साइटोलॉजी। क्या बोलेंगे इंग्लिश में? फादर ऑफ साइटोलॉजी। अब कोशिका विज्ञान को इंग्लिश में साइटोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोशिका विज्ञान को साइटोलॉजी। अब एग्जाम में आ गया कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है? क्या आ गया? कोशिकाओं के अध्ययन को, स्टडी ऑफ सेल जो होती है वो क्या कहलाती है? तो वो आपको कोशिका विज्ञान ने लिख के देके क्या लिख के देगा? साइटोलॉजी। समझ गए? तो इस वजह से आपने क्या याद रखना है? कोशिका विज्ञान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी बोलते हैं। समझ गए? इतनी बात क्लियर है।
अब एक चीज जो यहां से निकल के आती है वो क्या निकल के आती है कि जो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी ना, वो कोशिका कैसी थी? निर्जीव थी। कैसी थी? निर्जीव थी, यानी नॉन लिविंग थी, उसमें जान ही नहीं थी। समझ गए? कैसी थी? नॉन लिविंग। तो अब यहां पे दो क्वेश्चन उठते हैं, एक तो ये कि वो निर्जीव कोशिका की खोज किसके अंदर हुई, तो आप बताएंगे कोर्क नामक पौधे की छाल से। कोर्क नामक पौधे की छाल से, समझ में आ गई? ये मैंने इम्पोर्टेंट बातें बताई हैं आपको, अदरवाइज इसको मैं आगे एक्सटेंड करना चाहूँ, खींचना चाहूँ, बढ़ाना चाहूँ तो मर्जी जितना बढ़ा दूँ कि ये जो सेलुला है, सेलुला वर्ड होता है, उससे बनी है। ठीक है, सेलुला वर्ड होता है, ठीक है, इस वर्ड से सेल वर्ड निकल के आया है। सेल को क्या बोलते हैं? कोशिका बोलते हैं। कोशिका एक कमरे की भांति होती है, तो वो चीज़ें अपने को नहीं करनी, अपने को जस्ट पॉइंट ऑफ व्यू किससे देखना है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, इतनी ही चीज़ें अपने को करनी है, अदरवाइज कॉपियां खाली करने का कोई भी बेनिफिट नहीं है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद में यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ एक और आती है, वो क्या आती है कि चलो ठीक है, कोर्क नामक पौधे की छाल से इसने निर्जीव कोशिका को देख लिया, तो अब संजीव कोशिका की बात करूं तो निर्जीव तो इसने देखी सबसे पहले, तो यहाँ पे एक बात निकल के आएगी कि संजीव कोशिका की खोज, लिविंग सेल की खोज किसने की? संजीव कोशिका की खोज, यानी आपसे बात की जाए कि लिविंग सेल की डिस्कवरी किसके द्वारा की गई, तो आप क्या बताएंगे? ल्यूवेन होक। क्या बताएंगे आप लोग? ल्यूवेन होक के द्वारा की गई थी। ठीक है, अब ये दांत की खुरचन में इसने देखा था सबसे पहले, दांत की खुरचन में एक जीवाणु के अंदर हुई, दांत की खुरचन में एक जीवाणु के अंदर इसने कोशिका को देखा था, जो ल्यूवेन होक ने संजीव कोशिका देखी थी वो दांत की खुरचन में एक जीवाणु के अंदर इसको देखा गया था। अब यहाँ पे एक चीज देखिए, ल्यूवेन होक को जीवाणु के अंदर इसने देखा, तो एग्जाम में आपसे पूछ ले कि जीवाणु विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है, क्या बोल दे कि जीवाणु विज्ञान के फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, जीवाणु विज्ञान के जनक, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी किसे बोलते हैं, तो आंसर क्या आएगा? ल्यूवेन होक। समझ गए? क्या आएगा? ल्यूवेन होक। क्लियर है इतनी बात? मिटा दूं? अब देखिए, कोशिका जो होती है ये आकार के आधार पर, भी दो प्रकार की होती है, पर दो प्रकार की होती है, दो प्रकार की, वैसे इसका तीसरा भी माना जाता है वो भी बताएंगे, लेकिन मेनली हर जगह दो ही लिखा मिलेगा, जो तीसरा है वो मैं बता दूंगी कि क्या हो सकता है, ठीक है, लेकिन पेपर में आता है तो आप टू ही बताएंगे। और अकॉर्डिंग टू शेप ये हो गया, क्या हो गया? अकॉर्डिंग टू शेप। उसी तरीके से मैं बात करूं रचना के आधार पर, रचना के आधार पर, यानी कंस्ट्रक्शन कैसी हुई है, इस हिसाब से अगर हम बात करें तो भी कितने प्रकार की? दो प्रकार की। अब कोई भी आप में से मेरे को आकार और रचना में डिफरेंस बता सकते हो क्या हो सकता है? आकार और रचना में डिफरेंस क्या हो सकता है? आकार यानी वो दिखने में कैसी हैं, जैसे कि ट्रेंगुलर हैं, रेक्टेंगुलर हैं, स्फेरिकल हैं, कैसी हैं, ये आकार हो गया। रचना कि वो किस चीज़ से बनी है, वो क्या हुई उसकी रचना। अब मान लो अपा चिप्स बनाते हैं, उसको अपा रेक्टेंगुलर भी बना सकते हैं, ट्रेंगुलर भी बना सकते हैं, रेक्टेंगुलर भी, सर्कुलर भी बना सकते हैं ना। अब शेप तो इनकी डिफरेंट डिफरेंट होगी, तो रचना कंस्ट्रक्शन जो है वो आपा एक ही चीज़ से कर सकते हैं, मतलब आप आलू चिप्स बना रहे हैं तो आलू चिप्स सभी शेप्स में बना सकते हैं, तो वो रचना क्या हो गई? सेम हो गई ना। तो ये डिफरेंस है कि आकार और रचना में,
कि एक चीज किस चीज की बनी है और दूसरी चीज जो है उसका आकार कैसा है। तो टू टाइप्स में मैंने इनको बांट दिया। अच्छा, अब यहाँ पे देखो, आकार के आधार पर हम बात करें तो ये टू टाइप्स की है। एक होता है एक कोशिकीय, यानी आप इंग्लिश में इसे बोल सकते हो यूनिसेलुलर। दूसरी जो होती है वो होती है बहुकोशिकीय, बहुकोशिकीय यानी आप बोल सकते हैं मल्टी सेलुलर। ठीक है, अब थर्ड जो टाइप लोग बोलते हैं वो अकोशिकीय बोलते हैं, कि जिसमें कोशिका होती नहीं है, जैसे कि वायरस, लेकिन उसको कोई टाइप नहीं माना जाता कोशिका का, क्योंकि जिसमें कोशिका है ही नहीं, फिर वो कोशिका का टाइप क्या रह गया, समझ रहे हो ना। ठीक है, तो ये दो ही मेनली माने जाते हैं, एक एक कोशिकीय और दूसरा बहुकोशिकीय। अब आकार के आधार पर बात करें, यूनिसेलुलर आकार के आधार पर वो होंगे जिनमें एक ही प्रकार के आकार की कोशिकाएं पाई जाएं, यानी कहने की बात है ऐसे जीव जिनमें एक ही प्रकार के आकार की कोशिकाएं, चाहे वो इस तरीके की हैं तो सभी की सभी इसी तरीके की होनी चाहिए, इस तरीके की हैं तो सभी की सभी इसी तरीके की होनी चाहिए, यानी शेप में एक ही टाइप की। बहुकोशिकीय में मतलब जितने भी प्रकार की, चाहे मर्जी जैसा शेप हो वो किस में आ जाएगा, बहुकोशिकीय। अब एक कोशिकीय में एग्जांपल देखिए कौन से होते हैं, अमीबा। देखिए अमीबा जो है ना, इसको अमर जीव के नाम से जाना जाता है। आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि अमर जीव के नाम से किसे जाना जाता है, तो जो अमीबा है इसे अमर जीव बोलते हैं। ऐसा क्यों है कि अमीबा को अमर जीव बोला जाता है, ऐसा इसके पीछे कारण क्या है, क्योंकि देखिए ये मरता नहीं है कभी भी अमीबा। इसका जो शरीर होता है इस तरीके से होता है, कटीला होता है, ये कटता रहता है इसका शरीर, है ना, ये कटता रहेगा, और बीच की जो इसके अंदर संरचना है वो ऑलवेज लिविंग रहती है, हमेशा जिंदा रहती है। ठीक है, तो अमीबा को किस नाम से जानते हैं, अमर जीव के। और एग्जाम्पल और कौन से हो सकते हैं, अमीबा, पैरामीशियम, जीवाणु, बैक्टीरिया यानी परजीवी यानी पैरासाइट, ठीक है, हाइड्रा, युगलीना, ये सारे के सारे जो टाइप हैं वो किसके हैं, एक कोशिकीय जीवों के। ठीक है, हाइड्रा, युगलीना, ये कीड़े मकोड़े ही होते हैं, अपने लिए वो कीड़े मकोड़े हैं, लेकिन इनकी भी प्रजातियां होती हैं। ठीक है, और अगर हम बहुकोशिकीय की बात करें तो जैसे कि जितने भी पौधे हैं, जितने भी पौधों में सेल पाई जाती है वो सारी की सारी क्या होती हैं, बहुकोशिकीय। जितने भी जंतु हैं, चाहे हम इंसान हो गए, चाहे जानवर हो गए, चाहे पशु हैं, ये सारे के सारे किस में आते हैं, बहुकोशिकीय। यानी कहने का मतलब है पादप कोशिका यानी प्लांट सेल, जंतु कोशिका, ये दोनों की दोनों जो हैं ये किस में आती हैं, बहुकोशिकीय। यानी पादप कोशिका और जंतु कोशिका किसका एग्जाम्पल है, बहुकोशिकीय का एग्जाम्पल है। समझ गए, ऐसा कोई स्टूडेंट जिसको यहां तक समझ में ना आया हो। ठीक है, मिटा दूं इतना, ठीक है। चलिए अब यहां पे एक चीज और देखिए कि ये तो हमने किसके बात अकॉर्डिंग बात की है, आकार के अकॉर्डिंग टू शेप। अगर मैं रचना के आधार पर बात करूं, रचना के आधार पर, तो भी कितना बताया मैंने, दो, एक होती है प्रोक्रियोटिक और एक होती है यूक्रियोटिक, प्रोक्रियोटिक और एक यूक्रियोटिक। ये हम बात करते हैं किसके आधार पर, रचना के आधार पर, टू टाइप्स, प्रोक्रियोटिक और यूक्रियोटिक। प्रोक्रियोटिक जो होता है इसको हम अविकसित कोशिकाएं बोलते हैं। आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि अविकसित कोशिकाओं के नाम से किसे जाना जाता है, अविकसित कोशिकाएं जो हैं वो कौन सी होती हैं, तो अविकसित कोशिकाएं कौन सी होती हैं, प्रोक्रियोटिक। और यूक्रियोटिक जो हैं इन्हें क्या बोला जाता है, विकसित कोशिका बोला जाता है, क्या बोला जाता है, विकसित कोशिका बोला जाता है। प्रोक्रियोटिक को बोलते हैं अविकसित और इसको यूक्रियोटिक को विकसित। ऐसा क्यों है, प्रोक्रियोटिक को अविकसित इसीलिए बोला जाता है क्योंकि इसकी कोशिका के अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता। अब आपसे एग्जाम में पूछा जाए किस प्रकार की कोशिकाओं में केंद्रक ही नहीं पाया जाता,
तो आप क्या बताएंगी? प्रोक्रियोटिक, जैसे कि ये कोशिका है तो इसका जो सेंटर पॉइंट होता है इसको हम क्या बोलते हैं? केंद्रक बोलते हैं। और ये केंद्रक जो है ये कोशिका के विकास का काम करता है। अब जो चीज़ विकास कर रही है वो है ही नहीं तो उसको हम क्या बोलेंगे? अविकसिति तो बोलेंगे। अब इसको विकसित इसीलिए बोला जाता है क्योंकि इसके अंदर केंद्रक पाया जाता है, इसके अंदर केंद्रक पाया जाता है। अच्छा, अब मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो वही जो मैंने एक कोशिकीय में एग्जाम्पल दिए वो किस में आएंगे? प्रोक्रियोटिक में आएंगे। और जो मैंने बहु कोशिकीय में एग्जाम्पल दिए हैं वो किस में आएंगे? यूक्रियोटिक में। आप लिख लेना अपने आप से, ठीक है? जो एक कोशिकीय में दिए वो किस में आएंगे? प्रोक्रियोटिक में। और जो बहु कोशिकीय में दिए वो किस में आएंगे? यूक्रियोटिक में आएंगे। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। देखिए, एक होती है कोशिका की संरचना, कोशिका की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ ए सेल, ठीक है? देखो, कुछ एक हम मेनली दो चीजों पे बात करेंगे। एक तो हम प्लांट सेल पे बात करेंगे, पादप कोशिका पे, और दूसरा हम ह्यूमन सेल यानी जंतु कोशिका पे। इन दोनों पे हम बात करेंगे कि इनकी संरचना क्या है। तो देखो, पौधे और इंसान में फर्क तो है ही, पौधे इंसान जानवर इनमें फर्क है ना। तो कोशिकाओं की बात करें तो कुछ चीजें पादप कोशिका में होंगी लेकिन जंतु कोशिका में नहीं होंगी, कुछ जंतु कोशिका में होंगी तो कुछ पादप कोशिका में नहीं होंगी, ये बात तो है ना। तो अब अगर मैं बात करूं, सबसे पहले एक चीज होती है कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति, जिसे इंग्लिश में आप लोग सेल वॉल बोलते हो, ठीक है? कोशिका भित्ति क्या बोलते हो इसको? सेल वॉल। अब ये जो सेल वॉल होती है, कोशिका भित्ति होती है, ये पादप कोशिका में पाई जाती है, पादप कोशिका में पाई जाती है, पादप कोशिका में पाई जाती है। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि पादप कोशिका की सबसे बाहरी संरचना को क्या बोलते हैं, पादप कोशिका की सबसे बाहरी परत को या सबसे बाहरी संरचना को, सबसे बाहरी परत या आप बोल दो संरचना को क्या कहा जाता है, तो आप क्या बताएंगे? कोशिका भित्ति। समझ गए क्या बोलते हैं? कोशिका भित्ति। तो पादप कोशिका की सबसे बाहरी परत है ये सबसे कठोर भाग होता है, जो कोशिका का जो अंदर का पार्ट होता है उसको बचाता है, मतलब बाहरी चोटों से या डस्ट से, इस चीज से बचाता है। अब यहाँ पे देखो, अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि कोशिका भित्ति बनी किसकी होती है, तो आप बताएंगे सेल्यूलोज से, सेल्यूलोज से। पौधे के अंदर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला पदार्थ सेल्यूलोज होता है। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है और पूछा भी जा सकता है कि पौधे के अंदर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा होता है, तो क्या बताएंगे? सेलुलोज। समझ गए? अब ये सेलुलोज जो है ये सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, लेकिन होता ये क्या है? कार्बोहाइड्रेट। ध्यान में रखिएगा इस चीज को, क्या होता है ये? एक तरीके से कार्बोहाइड्रेट का टाइप होता है एक, समझ गए हो? ठीक है, कागज भी सेलुलोज का बना होता है। कागज किसका बना होता है? सेलुलोज का। कागज किसका बना होता है? सेलुलोज का। आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि कागज के पीले पड़ने का क्या कारण है, तो आप बताओगे सेल्यूलोज का ऑक्सीकरण, सेल्यूलोज का ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन ऑफ सेल्यूलोज। समझ गए कि सेल्यूलोज उड़ जाता है कागज के अंदर से, जानते हो ना आप लोग, देखते भी हो कि कुछ एक लिमिट के टाइम के बाद में कागज जो है वो पीला पड़ जाता है, तो उसके पीछे का कारण क्या है? उसके पीछे का कारण यही है, देखो कि सेलुलोज का क्या हो जाता है? ऑक्सीकरण हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है। चलो, समझ गए? ठीक है, उसकी उसी तरीके से जैसे कि पादप कोशिका की बाहरी जो परत होती है उसको कोशिका भित्ति बोलते हैं, तो एक होती है जंतु कोशिका की भी बाहरी परत, जंतु कोशिका की भी बाहरी परत होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली। क्या होती है?
कोशिका, झिल्ली यानी प्लाज्मा, मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, समझ गए। अब ये जो कोशिका झिल्ली है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये किस में पाई जाती है? जंतु कोशिका की बाहरी परत, बाहरी आवरण क्या होता है, ठीक है, कोशिका झिल्ली होता है। कोशिका झिल्ली जो है ये प्रोटीन प्लस में लिपिड की बनी होती है, प्रोटीन प्लस में किसकी बनी होती है? लिपिड की, ठीक है, किसकी बनी होती है? प्रोटीन प्लस में लिपिड की बना होता है। बस इसमें बस इतना ही देख लो, ठीक है। उसके बाद चलो नेक्स्ट पॉइंट पे। एक होते हैं वर्णक, वर्णक जिसको आप बोलते हो पिगमेंट्स, या आप बोल सकते हो लवक, यानी इंग्लिश में बोलेंगे प्लास्टिड, एक ही बात है, ठीक है। अब ये जो लवक है ना, प्लास्टिड है ना, ये सिर्फ और सिर्फ पादप कोशिका में पाए जाते हैं, पादप कोशिका में पाए जाते हैं, प्लांट सेल में पाए जाते हैं, ओनली एंड ओनली प्लांट सेल में पाए जाते हैं। जैसे कि मैं आपको बोलूं कि पत्तियों का रंग हरा किसके कारण होता है, तो आप क्या बताते हैं? पत्तियों का रंग हरा किस कारण होता है? उसमें ऐसा क्या पाया जाता है कि पत्तियां हरी होती हैं? अरे बहुत आसान क्वेश्चन है, क्लोरोफिल के कारण होता है, ये भी नहीं पता? अब क्लोरोफिल के कारण, बिल्कुल सिंपल सी बात हुई ना ये तो। उसी तरीके से बीजों का भी रंग होता है ना, उसका क्या रीजन है? फूलों का कलर होता है, उसका क्या रीजन है, ठीक है। तो आप देखते हैं कि पादप कोशिका में पाए जाते हैं, और लवक तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है अवर्णी लवक। अवर्णी लवक हिंदी का वर्ड है, इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ल्यूकोप्लास्ट, लेकिन हिंदी में ऐसा ही लिखा आता है, ये अवर्णी लवक नहीं लिखा आता, क्या लिखा आता है? ल्यूकोप्लास्ट। उसके बाद में होता है वर्णी लवक, जिसको आप बोलते हो क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। और थर्ड जो होता है वो होता है हरित लवक, जिसको आप बोलते हो क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट, समझ गए। ये तीन चीजें हैं, अवर्णी लवक ल्यूकोप्लास्ट, वर्णी लवक क्रोमोप्लास्ट, हरित लवक क्लोरोप्लास्ट, समझ गए। अब ये जो अवर्णी लवक है ना, अवर्णी लवक है, ल्यूकोप्लास्ट है, देखो वर्ण क्या होते हैं? रंग, ठीक है। खासकर मतलब 90% ऐसा होता है कि अवर्णी लवक उनमें होता है जिनमें रंग नहीं होता, खासकर 90% की बात किया मैंने स्टार्टिंग में, या 100% हम बात करें तो जहां सूर्य की रोशनी नहीं पहुंचती, पौधे के उन भागों में पाया जाता है जहां सूर्य की रोशनी नहीं पहुंचती, सूर्य की रोशनी नहीं पहुंचती, पौधे के उन भागों में पाया जाता है जहां सूर्य की रोशनी नहीं पहुंचती, क्लियर है। अवर्णी लवक पौधे के उन भागों में पाया जाता है जहां सूर्य की रोशनी नहीं पहुंचती। फॉर एग्जाम्पल जड़, जड़ कुछ भी हो सकती है, पौधे की जड़, मूली भी जड़ है, ठीक है, शलगम भी जड़ है, गाजर भी जड़ है, इस तरीके की चीजें किस में आती हैं? जड़ में। अच्छा, एक होता है भूमिगत तना, भूमिगत तना यानी जड़ के अलावा जो चीज़ें भूमि के अंदर पाई जाती हैं, भूमिगत तना होती है ऑलमोस्ट, खासकर मूंगफली वगैरह को छोड़ के। मूंगफली क्या है? बीज है, ठीक है, मूंगफली क्या है? बीज है, ठीक है। तो भूमिगत तना की अगर हम बात करें तो आलू, प्याज, अदरक, हल्दी, हल्दी, शकरकंदी, और क्या हो सकता है? लहसुन,
ये सारी की सारी चीज़ें भूमिगत तना हैं। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इसमें से ये बताइए तने का एग्जाम्पल कौन सा है, भूमिगत तने का एग्जाम्पल कौन सा है, तो आप इनमें से ऑप्शन मिलेंगे, खासकर आलू का मिलता है। क्लियर है? तो आलू क्या है? भूमिगत तना है। ठीक है, उसी तरीके से क्रोमोप्लास्ट की अगर हम बात करें तो क्रोमोप्लास्ट किस में पाया जाता है? फल में, या आप बोल सकते हो फल भीति यानी फलों की दीवारें, फूल में, बीज में। बीजों का रंग पूछ ले आपसे, फूलों का रंग पूछ ले आपसे, फलों का रंग पूछ ले आपसे, तो आंसर क्या आएगा? क्रोमोप्लास्ट। समझ में आ गया? या फिर आप बोल सकते हो वर्णी लवक। उसके बाद में क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट की अगर हम बात करें तो पत्तियों का रंग हरा, हरा रंग किसकी वजह से होता है? किसकी वजह से होता है? क्लोरोप्लास्ट की। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्लियर है इतनी बात? तो आज के लिए हम करेंगे इतना ही।